नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो आपको बताने चल रहा हूँ जिस विषय के बारे में, वो बहुत ही एक हिसाब से कह लीजिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि लोग पता नहीं थोड़ा मोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में दूसरों का नुकसान करने में लगे रहते हैं। वो चीज़ें क्या है, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सर, ये हमारा एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस गार्जियन का है, कुकिल पावर्ड बाय कुकिल है, कुकिल का एक प्रोडक्ट है गार्जियन। इस पे ये अलर्ट दिखा रहा है कि आप जो है भीम ऐप्स, जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, भीम ऐप्स जो यूपीआई को सपोर्ट करता है, तो वो जो है उस पे ये आ रहा है कि इसको केवल और केवल जो है ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करें। ये देखिए कुकिल का है, ये ब्लॉग है, ये बता रहा है कि ये इसका ऑफिशियल वो है, लिंक है, इसी से ही आप डाउनलोड करें। हम ऑफिशियल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी चर्चा ये नहीं है कि ये क्या है, इसको प्रोड्यूस किसने किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इसको डेवलप किया है, ये उनका प्रोडक्ट है। और ये चर्चा का विषय ये है कि लोग आपकी चीज़ें कहीं चुरा न लें, बैंकिंग, क्योंकि ये बैंकिंग बैंक से जुड़ा आपका मामला है, आपकी चीज़ें कहीं थर्ड पार्टी को तो नहीं आप भेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी का हो सकता है अभाव है, जो जानते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जिनको नहीं पता वो अभी अभी ये बार बार कई जगह मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखा, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीम ऐप्स तो डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भीम ऐप्स इसका नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, जो NPCI द्वारा दिया गया है उसको नहीं, दूसरा कोई भीम ऐप्स डाउनलोड कर ले रहे हैं। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या कहानी चल रही है इनका। ये देखिए दोस्तों, पता नहीं फर्जी ऐप्स बना करके आज कई वेबसाइटें हैं जो 2 मिनट में वेबसाइटें बना दी जाती हैं। आप कोई वीडियो बनाइए, कोई डाटा बनाइए, कुछ बनाइए, ये एकदम ये जैसे ये ऑफिशियल है। ये देखिए लोग, कई लोग ये सोचेंगे कि यही वो ओरिजिनल है, क्योंकि इस पे प्रधानमंत्री का वो है, फोटो लगा हुआ है। कई लोग सोचेंगे भीम ऐप्स ये ओरिजिनल है, कई लोग ये भी सोचेंगे। बताइए ये सारे भीम ऐप्स जो हैं, ये बताइए ये लोगों ने क्या किया है, उसको बना डाला है। और इसको ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो नंबर एक पे, नंबर दो, नंबर एक पे तो ओरिजिनल ही रहता है, नंबर दो पे, नंबर तीन पे, ऐसे ऐसे आ करके, और बहुत सारे इनकी हम डिटेल चेक करते हैं कि कोई माननीय है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है कि आप ये देखिए, ये इनका ऐप्स है। और दोस्तों देखिए 4 पॉइंट, ये 348 लोगों ने कमेंट भी किया है, और इंस्टॉल देखिए दोस्तों 1 लाख के बीच में इंस्टॉल हुआ है, 50,000 से 1 लाख के बीच में। बताइए हो सकता है कि इनके पास आपकी डिटेल चली गई हो ये, और ऐसे ही तमाम भीम ऐप्स हैं। ये देखिए, ये देख कि क्या पता कि ये आप अपना बैंकिंग की सारी डिटेल इसमें फिलअप करते हैं, और ये आपके साथ धोखा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जानकारी दे रहे हो, लेकिन ये आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए बार बार कुकिल एंटीवायरस, जितने भी अच्छे इंडिया के सपोर्टेड एंटीवायरस हैं या वो हैं जो ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये कह रही है कि अलर्ट कर रहा है कि आप भीम ऐप्स को ऑफिशियल साइट से ही, ऑफिशियल लिंक से ही डाउनलोड करें। तो ये है हमारे पास, ये है सिन्हा जी हैं, इन्होंने ये बताया है, और कि ये आप ऐसा ना करें, कि लोगों को ज़रूर इस पे बताएं कि ये गड़बड़ हो रही है। और मुझे ये मालूम नहीं पता चलता कि कई वेबसाइटें हैं जो आपको फ्री में ऐप्स बनाने के लिए देती हैं, आप अपनी वेबसाइट से उसको केवल URL डालते हैं और ऐप्स बन जाता है, और उसको प्ले स्टोर पर अपलोड कर देते हैं, लाखों लोग आपके ऐप्स को डाउनलोड कर लेते, अपलोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। और उससे क्या होता है, जिसका ऐप्स है उसको तो एडवर्टाइजमेंट से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी को आपका कंटेंट शेयर तो नहीं हो रहा है, आपकी चीज़ें चुराई तो नहीं जा रही हैं। ध्यान दें कि आपको भीम ऐप्स ओरिजिनल ही आपको डाउनलोड करना चाहिए और उसको इंस्टॉल करना चाहिए। डाउनलोड करने से पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ज़रूर देखें, और इसको ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करें,
और इसका ही प्रयोग करें। मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो लोग भीम ऐप्स की सुविधा के बारे में कर सकते हैं। ये इन्होंने तो गाइड फॉर भीम लिखा है, भीम ऐप्स फॉर गाइड लिखा है, लेकिन क्या होता है लोग देखते नहीं हैं। जैसे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का, आपको अगर इनका ये ऐप्स है तो इनको इस तरीके से प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए थी, दूसरा ये यूपीआई का लोगो नहीं लगाना चाहिए था, तब पता चले कि हाँ ये जो है इन्होंने, और ये थोड़ा ऑफिशियल लुक दे देते हैं जिससे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, हो सकता है यही है, और वो डाउनलोड कर लेते हैं और अपने उसमें। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये चोरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है भाई। गलत चीज़ अगर ना होती तो ये कोई खिल और ये बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनियाँ आपको अलर्ट ना करती। आप हो सकता है कि आप इन्होंने जो थर्ड पार्टी इन्हों ये अपनी तरफ से ईमानदार हो, लेकिन इन्होंने जो मुफ्त का या कहीं से भी जो एंटी मतलब ये ऐप्स क्रिएट किया है, हो सकता है अगर इन्होंने किसी वेबसाइट के माध्यम से इस ऐप्स को क्रिएट किया है, खुद नहीं क्रिएट किया है, तो उसके पास आपके सारी बैंकिंग डिटेल चली जाएंगी और आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और आने वाले पिछले समय में आपने देखा था मई जून के महीने में करोड़ों एटीएम डेबिट कार्ड में वायरस का प्रकोप आया था, तो सावधान रहें। नेशनल पेमेंट फॉर ये जो है पहले ऐप्स में जो भारत सरकार का है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन फॉर ऑफ इंडिया एन PCI को ही इंस्टॉल करें। दोस्तों ये जानकारी थी, हमने सोचा कि दे दें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो उठाना पड़े, और लोगों को भी बताएं कि भीम ऐप्स को जो है वो ऑफिशियल ही डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें, बहुत सिंपल है, सरल है। चलिए थैंक यू वेरी मच।